सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से। भैया सवाल यह था कि यार आपको करना था गैस आपके दिमाग के हिसाब से कि आपको क्या लगता है कि पबजी वाले इंडिया में कब तक आएगा, तो आपसे बोला है 48% नहीं भैया गेम आ जाएगा मई के महीने में, 32% बोलते हैं कभी भी नहीं आएगा, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार जून में आएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लगा के आएगा। मैं जाऊँगा बहुमत के साथ कि भैया आने वाला है गेम, लगता है ऐसा बहुत ही सॉलिड कि मई के महीने में गेम आप खेल पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगर आज के पोल की, सवाल ये है कि अगर आपका बजट होगा दोस्तों 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में, तो आप ऐसे में कौन सा वाला दोस्तों फोन चूज करना पसंद करेंगे? क्या दोस्तों आप लेना चाहेंगे iQOO 7 सीरीज को, या फिर OnePlus 9R को, या फिर Mi 11X सीरीज को, या फिर दोस्तों आप जाएंगे भैया Google Pixel 4a की तरफ, या आप लेंगे कोई iPhone अगर उस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है SE या फिर 10R वगैरह? बताना जरूर क्या दोस्तों जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए बड़े आराम से वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहां दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेकर, निकल के आता है Samsung के Galaxy Z Fold 3 को लेकर। ये दोस्तों फोन खैर लॉन्च होने वाला है लगता है जुलाई के महीने में, तो यहां पे भी मालूम चलता है हमको कि ये आने वाला है 25 वॉट्स के चार्जर के साथ में। तो यार ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, 25 अगर अभी भी सैमसंग यूज करते हैं तो लगता है थोड़ा सा स्लो रहेगा, एटलीस्ट अगर 45 होता है या 65 होता तो और ज्यादा मजा आता। बाकी अगर देखते हैं कि ये जो फोल्डिंग फोन है, बिकॉज मुझे ये अपना फोन काफी पसंद है Z Fold 2, तो Z Fold 3 साथ में क्या कुछ नया लेके आता है। अगला दोस्तों अपडेट आता है हमारे पास में निकलता हुआ यहां पर रेजर को लेकर। भैया यहां पर ये लेके आए बहुत ही शानदार सा स्मार्ट मास्क, जहां पे RGB लाइटिंग है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर वगैरह दोस्तों लगाए यहां पे, कि मतलब मास्क पहनने के बाद भी आप बड़े आराम से बातें कर पाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट मास्क है अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये आता है रेजर की तरफ से। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में सैमसंग को लेकर, और यहां पे दोस्तों सैमसंग को जो है वो लोग मिलकर दोस्तों सू कर रहे हैं गैलेक्सी S20 सीरीज के। दोस्तों जो ग्लास वाला पूरा इशू था ना, जहां पे दोस्तों कैमरा का जो ग्लास था वो टूट रहा था, तो उसको लेकर अगर आप फिलहाल US में है तो आप दोस्तों इसका हिस्सा बन सकते हैं, US में लोग सैमसंग को सू कर रहे हैं इसी इशू के खिलाफ। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहां पे हमारे पास में जियो को लेके। भैया ऐसे में जियो ने तो कोविड के दौरान भी बहुत दोस्तों लंबी लंबी छलांगें मारी हैं, जहां पर दोस्तों फिलहाल जो प्रॉफिट्स निकल के आए हैं नेट प्रॉफिट वो 2021 का दोस्तों जो क्वार्टर फोर था उसमें हम देख रहे हैं यहां पे अभी 3508 करोड़, मतलब बहुत भैया बड़ा निकल के आया है यहाँ पर दोस्तों जो अभी प्रॉफिट है जियो का। तो क्या लगता है आपको आगे चल के यार कौन जाएगा एक्चुअल रेस में सबसे आगे, एयरटेल के जियो? मन की बात है क्या है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में अंडर वाटर काइट्स को लेकर। दोस्तों मतलब पतंगे जैसी हैं कुछ चीज़ें जो मतलब पानी के नीचे हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाइडल पावर हार्वेस्टिंग की। तो यार रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मतलब हम दोस्तों तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं कि कैसे हम जो है वो सोलर एनर्जी या फिर दोस्तों विंड एनर्जी वगैरह को अपने काम में ले पाएं। यहाँ पर बात रहे हैं टाइडल एनर्जी की, और उसके लिए हम यहां पे अंडर वाटर कुछ स्पेशल टाइप की काइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Samsung Galaxy S21 FE को लेके। ये दोस्तों Samsung की जो मेक्सिको वाली वेबसाइट है भैया, वहां पे क्लियरली स्पॉट कर लिया गया है, तो लगता है कि बहुत जल्दी फोन आने वाला है। अभी ऐसे में देखते हैं एग्जैक्टली कि Samsung इस फोन को क्या स्पेक्स साथ में लेके आता है और किस कीमत पे फोन लॉन्च होता है, इंडिया में आखिर हम इस फोन को कब तक देख पाते हैं Galaxy S21 फैन एडिशन। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में रेडमी को लेके, और यहाँ पे दोस्तों रेडमी के जो GM है वो भैया प्लान्स बताते हैं कि मतलब जो ये गेमिंग वाले पूरे स्मार्टफोन्स की दुनिया ना, इसको वो और मासेस तक लेके आना चाहते हैं। जहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल गेमिंग स्मार्टफोन की, और यहाँ पे एक अफोर्डेबल K40 भी शायद हम बहुत जल्दी देख पाएंगे। अभी बस देखना ये है कि यार ये इंडिया में आ पाता है क्या, कहीं ये अफोर्डेबल वाला तो नहीं बन जाएगा पोको, थोड़ा सोच के देखो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बस दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वावे को लेके, और यहाँ पे दोस्तों वावे का Mate 40 RS जो है पॉकेट डिजाइन वाला, इसका एक नया वेरिएंट आ गया है 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ में। अभी ऐसे में यार पता नहीं क्या कितने फोन्स बचे होंगे इनके पास में बेचने के लिए, बिक भी रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है दोस्तों बैकएंड में वावे के साथ में, बिकॉज कुछ ऐसा हम देख नहीं पा रहे हैं सामने। तो मतलब यू नो चाइना के अलावा बाहर कहीं भी कुछ अगर परफॉर्म ये ढंग से कर पा रहा हो, बिकॉज बिना गूगल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें शायद आ रही होंगी वावे को। मतलब क्या आप बताओ यार कि आपको अगर अभी ऑप्शन मिले तो आप अभी क्या एक वावे का फोन लेना पसंद करेंगे क्या?
बिना गूगल के। मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में पबजी मोबाइल इंडिया को लेके। और यहाँ पर दोस्तों कल जो चीज़ें हुई थी ना परसों, बेसिकली पबजी की तरफ से यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जो है वो टीजर्स वगैरह को अपलोड किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मालूम ही चलता है कि जो टीजर्स थे बेसिकली जो पहले एक टीजर आया था ना पबजी मोबाइल इंडिया का, उसी के ही अलग अलग दोस्तों स्निपेट्स थे, उसी के ही अलग अलग टुकड़े थे जिनको अपलोड किया गया था दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो है डायनामो वाला, तो ये जो टीजर है यही अपलोड किया गया था, उसको बाद में टेक डाउन किया गया। तो ये दोस्तों चीज निकल के आई है, एक तो सामने की भैया खुलासा हो गया कि एक्चुअल में वो चीज क्या थी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो गेम है लगता है कि अभी जो है एंड्रॉयड के लिए पहले आएगा, आईओएस के लिए शायद हम उसको बाद में देख पाएंगे। तो मतलब फिलहाल के लिए अगर आपके पास में एक एंड्रॉयड फोन है तो शायद आपको थोड़ी सी और खुशियां हो जानी चाहिए कि जो पबजी मोबाइल इंडिया है वो पहले आएगा एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए शायद ये चीज़ थोड़ा सा फ्यूचर में होगी। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में आईओएस से, याद आया तो भैया आईफोन को लेके, जहाँ दोस्तों एप्पल के हिसाब से 2020 में दोस्तों जब लॉन्च हुआ उसके बाद से अभी तक जो आईफोन 12 है, मैं प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ दोस्तों, जो स्पेशली आईफोन 12 है ना वो भयंकर हाई डिमांड में रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों इसकी डिमांड रही है लॉन्च के बाद से ही, और ऐसे में सबसे ज़्यादा यही फ़ोन बिका है। अभी ऐसे में अगर आपको चूज़ करना पड़ेगा 12 मिनी या 12 या 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स में से, तो आप किसको चूज करेंगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला उसका अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में गूगल को लेकर। दोस्तों गूगल डूडल है वो भैया एनकरेज कर रही है लोगों की मास्क पहन के रखो, वैक्सीन वगैरह लगवा लो। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है यार कि हम एटलीस्ट अभी तो डबल मास्क लगाना दोस्तों लगता है इतने जरूरी हो गया जब आप घर से बाहर निकलते हैं। पहली बार तो यार निकलो ही मत अगर आपको कोई काम नहीं है तो, मतलब बिनो हम कई बार सोचते हैं कि यार इतना तो जाके आ रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना बड़ा रिस्क दोस्तों शायद हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए जो है वो सामने खुला छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे अगेन एक बार वापस से अपील कि प्लीज़ मास्क पहनिए और अपना और अपने आसपास लोगों का सबका पूरा ख्याल रखिए। अगला उसका अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में व्हाट्सएप के। दोस्तों व्हाट्सएप जो है वो अभी आईओएस के अंदर जो है वो लार्जर मीडिया प्रिव्यूज लेके आ गया है, जहाँ पे अगर आप कोई फोटो वगैरह कोई पोस्ट करता है कोई आपको दोस्तों अगर भेजता है तो उसका प्रीव्यू पूरा जो है वो ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में देख पाएंगे। तो बिना उसको ओपन किए आप देख सकते हैं कि जो फोटो भेजी है वो बेसिकली क्या है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में वन प्लस के नॉर्ड N10 5G और नॉर्ड N100 को लेके। लगता है दोस्तों ये जो फोन है ये इंडिया में आने वाले हैं वन प्लस की तरफ से नॉर्ड लाइनअप में। मेरे ख्याल से तो यार कुछ और भी होने वाला है वन प्लस के, कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग फोन, चलो छोड़ो भी नहीं बताता मैं। बट एनीवेज यहाँ पे नॉर्ड को लेके लगता है कि इंडिया में कुछ ना कुछ तो नया होने ही वाला है, और आपको अगेन बहुत ही कमाल एक्सक्लूसिव कंटेंट जल्दी ही मिल जाएगा। तो दोस्तों बस फटाफट में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फटाफट में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।